हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की प्रेजेंट लाइफ में सब अपने हेल्थ को लेके बहुत ही ज़्यादा वरिड हैं, कॉन्शियस हैं। हम आज लेके आए हैं हेल्दी नाश्ता जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हम लाए हैं मूंग दाल इडली। सबसे पहले हमने मूंग दाल को अच्छे से वॉश किया है, अब हम इसे सूप करेंगे। मैंने इसे हॉट वाटर में सूप किया है। अगर आप नॉर्मल वाटर में सूप करें तो 2 to 3 hours के लिए करें, और हॉट वाटर में करेंगे तो आप हाफ़ एन आवर एनफ है। हमारी जब दाल है वो हाफ़ एन आवर बाद सोक हो गई है, अब हम इसे जो कि ग्राइंड करेंगे और इसका एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे, एक अच्छा बैटर बनाएंगे हम। हमने ग्राइंडर में जिंजर लिया है, ग्रीन चिली लिया है, मूंग दाल डाला है और सूजी डाला है। मूंग दाल और सूजी का जो मेरा क्वांटिटी है वो हाफ हाफ कप है, और दही जो हम डालेंगे 1/4 cup, फिर हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। उसका हम अच्छे से एक बैटर बना लेंगे, स्मूथ बैटर। देखिए हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है। हम इसमें डाल रहे हैं, बैटर को निकाल रहे हैं। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे जो हमने चॉप की है। सबसे फर्स्ट मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्ची, उसके बाद मैंने डाला है कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया, और साथ ही में आप डाल सकते हैं करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, और फिर नमक डाल दें, फिर आप इसे रेस्ट करने छोड़ दें। फिर जितने में रेस्ट हो रहा है उतने में हमने अपना बघार रेडी किया है, तो हम तड़का डालेंगे। तड़के में हमने राई और जीरा दोनों यूज़ किया है, साथ ही में सब हम कड़ी पत्ता इसमें डाल रहे हैं। हमारा बैटर जो है अब वो फुल रेडी है। अब बारी आती है इसमें सोडा डालने की। आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, इनो भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं बेकिंग सोडा प्रेफर करती हूँ, मैंने बेकिंग सोडा डाला है। अब मिक्स करने के बाद जो हमारा इडली का बैटर है वो पूरा रेडी है। अब हम इसे इडली मोल्ड में डालेंगे। हमने पहले से ही हमारा रेडी करके रखा था इडली मोल्ड, पानी उसमें हमने हीट करके रखा है। अब हम इसे कुक करेंगे 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में। हमारी इडली देखिए आप कुक होके रेडी हो गई है, हमारी हेल्दी इडली रेडी है। आप इसे चटनी के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। आप चाहें तो बाद में भी इसमें तड़का लगा सकते हैं, मगर मैं हेल्थ के हिसाब से कॉन्शियस होके बोल रही हूँ, आप ऐसे ही खाएं, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनती है। ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आप सबको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।